गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है, लड़ाई की है, धक्का मारा है। बड़ी मतलब आप इस टेंस को बड़े हंसी मजाक में सीख सकते हैं। इसकी कुछ पहचान ऐसी है कि आपको याद रहेगी। तो एक बार और फिर पहचान देख लेते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, पिया है, लड़ाई की है, धक्का मारा है। ठीक है, तो हंसी के साथ साथ आपको टेंस भी सीखने को मिल रहा है। दूसरी बात, परफेक्ट का अगर हम मीनिंग देखें तो परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसलिए परफेक्ट टेंस में आप उन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे जो काम समाप्त हो चुका है और जिससे ये आभास होता है कि हाँ कुछ देर पहले ही हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है। रूल की बात करें तो सिंपल रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव रूल आपको बताया है, हमारी सारी वीडियोस में हम बताते रहते हैं कि जब भी आपको नेगेटिव रूल बनाना है किसी भी टेंस का तो उसमें थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना है। तो अगर आपको सिंपल रूल समझ में आ रहा है सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बस इसमें तीसरे नंबर पे नॉट लगाएं, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में जिसके सेंटेंस हम क्या वाले बनाते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव इंटरोगेटिव जिसमें आप क्या और नहीं वाले सेंटेंस बनाते हैं तो हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। वह पत्र लिख चुका है, इसका मतलब है उसने पत्र लिख लिया है, पत्र को लिखने का काम समाप्त हो चुका है। तो वह पत्र लिख चुका है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा वह, लिखना है हमारी वर्ब, और पत्र हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। रिटन राइट की थर्ड फॉर्म जो होती है वो रिटन होती है, राइट, रोट, रिटन। तो फ्रेंड्स, अगर आप परफेक्ट टेंस सीख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, V1, V2, V3। हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, भूलकर भी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म ना लगाएं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसी सेंटेंस में अगर हम तीसरे नंबर पर थर्ड प्लेस पर नॉट लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि वह पत्र नहीं लिख चुका है, यानी कि उसने पत्र लिखने का काम नहीं किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, हैज ही रिटन अ लेटर, यानी कि क्या वह पत्र लिख चुका है, तो हैज ही रिटन अ लेटर। ये सब कैसे बन रहे हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से बन रहे हैं। जैसे कि अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आपको हैज पहले लगाना है, तो हमने पहले लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो बड़े आराम से याद हो जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की। हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, या फिर क्या वह पत्र नहीं लिख चुका है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यहां पर मैंने सारे सेंटेंस में हैज का प्रयोग किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हैज और हैव का प्रयोग कब कब और कहां कहां करना है। तो हैज आप तभी लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई नाम होगा, जैसे कि राम, सीता, कुछ भी। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होगा, यानी कि जब जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल इजी है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।